उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सर्विस आज भी प्रभावित। उत्तर प्रदेश में करीब 20,000 कर्मचारी आज भी हड़ताल पे हैं। ये 15 दिनों से ये हड़ताल पे गए हुए हैं। और इको गार्डन लखनऊ से आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं अभिव्यक्ति इंडिया पे। जो कर्मचारी हैं, 700 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था, तो इनकी मांग है कि उन कर्मचारियों को वापस लिया जाए। एम्बुलेंस सेवा में ठेका प्रथा बंद किया जाए और एम्बुलेंस कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित किया जाए और सामान्य कार्य समान वेतन लागू किया जाए। ऐसी तमाम इनकी मांगें हैं। जो अपनी मांगों को लेकर ये डटे हुए हैं लखनऊ इको गार्डन से, और जो कोरोना काल में जान गंवाने वाले एम्बुलेंस कर्मचारी हैं उनके परिजनों को 50 लाख रुपये की बीमा राशि और आर्थिक राशि तुरंत दिया जाए, ये सब इनकी मांग है दोस्तों। और इन कर्मचारियों पे FIR भी दर्ज की गई है। और इनका कहना है कि एम्बुलेंस कर्मचारियों की जब तक मांग नहीं पूरी होती तब तक वो काम पे नहीं लौटेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक स्ट्राइक 25 जुलाई को रात में उस समय शुरू हुई जब देश में आपात प्रबंधन से जुड़ी सेवा देने वाली GB की EMRI कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और सरकार ने ELSS को संचालन का जिम्मा दिया। तब से स्ट्राइक जारी है। एम्बुलेंस सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर है, इसलिए हड़ताल पे गए हुए हैं। और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं हनुमान पांडे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ खबर आ रही है हमारे पास कि आज हनुमान पांडे जी को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अभिव्यक्ति इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है। और अखिल भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष अनिल उपाध्याय जी भी आज एम्बुलेंस कर्मचारियों के समर्थन में पहुंच चुके हैं। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं अभिव्यक्ति इंडिया पे, जो धरना स्थल पे नारेबाजी कर रहे हैं एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर। और इनकी जो धरना चल रहा है करीब 15 दिन से, जो ज़िला मुख्यालय पे इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, अब ये लखनऊ डटे हुए हैं इको गार्डन लखनऊ में आप देख सकते हैं। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे की रिहाई की मांग कर रहे हैं, ये अब धरना स्थल पर डटे हुए हैं। दोस्तों, हमने आपको दिखाया इको गार्डन लखनऊ से सीधी तस्वीर। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।